अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बशीर मुनव्वर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे, जाओगे खुश होंगे, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत के साथ हूँ। इसके साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए आज की वीडियो कुछ इस तरह की होने वाली है कि आज अम्मी जी ने एक रेसिपी जो वो तैयार करने जा रही है, तो अभी जाते हैं और देखते हैं कि अम्मी जी वो रेसिपी किस तरह तैयार करती है और आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो अभी मैं इधर किचन में आ चुका हूँ, तो असल में आज अम्मी जी ने देसी तरीके से भिंडियों का सालन जो है वो तैयार करने जा रही है। तो यही सारी रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपको सारा सामान दिखा दूँ जिसकी मदद से ना भिंडियों का सालन जो है वो तैयार होता है। इस साइड ये सारी पड़ी हुई भिंडी है, इस तरह ये टमाटर, प्याज, मिर्चे, अदरक और लहसुन पड़े हैं, इस तरह खुश्क मसाला जात पड़े हुए हैं, पीसी सूखी धनिये, नमक, हल्दी और इस तरह पड़ी जो सुर्ख मिर्चे, और उसके बाद इस तरह पड़ा बेसन और इस तरह ये पड़ा चिकन। इन तमाम चीजों से भिंडियों का सालन जो है वो तैयार होता है। तो अभी अम्मी जी तैयार कर रही है, तो अभी आपको भी दिखाते हैं किस तरह अम्मी जी ये सालन जो है वो तैयार करती है। तो सबसे पहले अम्मी जी जो है भिंडियों को काट रही है। तो सबसे पहले तो इसकी ये वाली साइड जो है तूथियां सी जिसको बोलते हैं हमारे जमाने में, इनको काट रही है अलग, ये लें ये अलग हो चुकी हैं, ये देखें। तो कुछ इस तरह अम्मी जी भिंडियों को काट रही हैं, ये देखें। तो इसी तरह सभी भिंडियों को काट लेना है, तो भी काट लेते हैं। तो चले जी, अम्मी जी ने भिंडियों को काट लिया, उसकी ये बैक वाली साइड तूथियां सी थी जो आगे वाली साइड थी, अम्मी जी ने काट लिया है। और इस तरह सभी भिंडियों को अम्मी जी ने काट लिया है। तो अभी अम्मी जी ने इन सभी भिंडियों को इस बर्तन में डाल रही हैं। और इस साइड मैंने आपको जो बेसन दिखाया था, ये अभी अम्मी जी ने बेसन जो है इस भिंडियों में डाल रही है, ये देखें। 3 चम्मच अम्मी जी ने बेसन किस प्लेट में डाल दी। इस साइड जो मैंने आपको पहले मसाले दिखाए थे, और ये सूखी धनिया, नमक, हल्दी और ये सुर्ख मिर्चें, ये 4 मसाले जो ये भी अम्मी जी इधर डाल रही है। तो ये लें जी, इन मसालों में से ना, इन सभी मसालों में से अम्मी ने थोड़ा थोड़ा मसाला जो है इधर ना मैदे में डाल दिया है। तो ये सारा मसाला जो है अच्छी तरह इधर मिक्स कर लेते हैं मैदे में, और ये जो बाकी का मसाला बचा है ना, इसको इधर अम्मी जी कह रही गोश्त पे लगाना है। ये लें जी, मैदे में सारे मसाले जो अम्मी जी ने मिक्स कर दिए हैं, तो अभी इस मसाले को इधर भिंडियों में डाल देते हैं। ये सूखी धनिया, हल्दी, नमक और सूखी मिर्ची और मैदे को मिक्स करके एक मसाला बनाया था, वो अम्मी जी ने इसमें डाल के ना कुछ इस तरह मिक्स कर दिया है। तभी अम्मी जी ना इसके ऊपर पानी जो है वो डाल रही हैं, तो पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर कुछ इस तरह ना छिड़काव सा कर रही हैं, ये देखें, ताकि मसाला जो है ना भिंडियों को अच्छी तरह लग जाए, ये देखें। माशाल्लाह से कुछ इस तरह अम्मी जी ने भिंडियों को मसाला लगा दिया, ये देखें। तो अभी हमने ना इनको भिंडियों को ना बर्तन में डाल के ना फिलहाल साइड पर रख दिया है। तो अभी बारी है गोश्त की, तो गोश्त को भी इसी तरह मसाला जो है वो लगाना है। इस साइड आप मसाला भी देख लोगे, ये वही मसाला जो है जो हमने भिंडियों को लगाया वही गोश्त को लगाना है। इस साइड ये बेसन, सूखी धनिया, हल्दी और सुर्ख मिर्चे और नमक, तो यही मसाला जो इधर हमने लगाया था, यही मसाला जो है अम्मी जी इधर ना चिकन को लगा रही है। तो सबसे पहले ये तमाम मसाले जो है उसी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो गोश्त को अम्मी जी ने बड़े बड़े बर्तन में डाल दिया है, तभी ये सारे मसाला जो है इधर गोश्त के ऊपर डाल देते हैं। गोश्त को भी अम्मी जी ने मसाला जो कुछ इस तरह लगा दिया है, और इस साइड आपने भिंडियों को भी देखा होगा कुछ इस तरह मसाला लगा, और गोश्त को देखे माशाल्लाह से कुछ इस तरह मसाला लगा है। तो अभी ना इसके ऊपर ढक्कन जो है ये चढ़ा कर रख देते हैं। अम्मी जी ने भिंडी और गोश्त फिलहाल रखी है साइड पे। तो अभी ना भिंडी और गोश्त के लिए मसाला जो है वो तैयार करना है। तो वही अभी मसाला जो अम्मी जी तैयार कर रही है वो इस बर्तन में तैयार कर रही है। और इस साइड मसाले तैयार करने के लिए अम्मी जी ने ना प्याज, मिर्च, टमाटर, लहसुन और अदरक, तो इन तमाम चीजों से मसाला जो है वो तैयार होगा। तो अभी ना ये तमाम चीजें जो है पहले काट लेते हैं। तो ये नहीं जी, प्याज को अम्मी जी ने कुछ इस तरह काट लिया, तो प्याज को अभी अम्मी जी इधर प्लेट में निकाल रही हैं।
लेकिन अम्मी जी ने प्याज को भी कुछ इस तरह काट लिया है, टमाटर को भी काट लिया, मिर्चों को ना कुछ इस तरह मुझे ने काटा है, ब्रेक नहीं करना, कुछ इस तरह मुझे ने काट दिया है। तो इस साइड ना ये जो लहसुन और अदरक है इसको अम्मी जी ने कहा काटना नहीं, इनका ना इसका पेस्ट जो है वो बनाना है। तो अभी अम्मी जी इसका पेस्ट जो है वो तैयार कर रही है। तो इस साइड अम्मी जी ने दौरा जो है वो भी उठा लिया है। तो ये देखे कुछ इस तरह अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। तो ये अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो भी कुछ इस तरह तैयार हो चुका है। तो अभी बारी है जी मसाले तैयार करने की। तो अभी अम्मी जी ने बर्तन जो चढ़ा लिया, सबसे पहले घी जो है वो अम्मी जी बर्तन में डाल रही है। तो इस बर्तन में सबसे पहले मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए मिर्ची, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन, तो इन तमाम चीजों से मसाला जो है वो तैयार होता है। तो ये भी अम्मी जी तैयार कर रही है। ये अम्मी जी ने इधर बर्तन में डाल दिया है। तो अभी नीचे से चूल्हा जो है वो कर देते हैं चालू। ये चूल्हा भी चालू हो चुका है। तो सबसे पहले घी को कर लेते हैं जी गर्म। घी जो है गर्म हो चुका है। तो अभी अम्मी जी ने प्याज जो है वो इस घी में डाल रही हैं। एक दो मिनट तक इन प्याजों को पहले भून लेना है घी में। तो ये जी प्याजों को कुछ इस तरह भून लिया, ज्यादा नहीं भूनना, इस तरह आप देखना कुछ इस तरह भून लेना है। तो अभी ना ये बाकी की सारी चीजें पड़ी हुई हैं ये भी इसमें डाल देते हैं। इस तरह अदरक और लहसुन का पेस्ट जो तैयार किया, तो ये भी अभी अम्मी जी इधर डाल रही है। ये ले जी सर, ये पड़ेंगे खुश मसाला जार, सूखी धनिए, सुर्ख मिर्चे, नमक और हल्दी। तो ये चार मसाला जो ये भी इधर ही डाल देते हैं। और उसके बाद ऊपर से अम्मी जी थोड़ा सा पानी जो है वो इसमें डाल रही है। और अभी ना इस साइड ये जो मिर्ची और टमाटर हमने काट के रखे थे तो ये भी इधर डाल देते हैं। ये देखें कुछ इस तरह ना भिंडी और गोश्त के लिए, सालन के लिए मसाला जो वो तैयार हो रहा है। ये देखें तो इसी तरह इन तमाम चीजों को 5 मिनट पका लेते हैं, अच्छी तरह भून लेते हैं। और 5 मिनट के बाद ना हमारा मसाला जो बन के रेडी हो जाएगा। तो ये जी मिसाला जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। ये देखे माशाल्लाह से मिसाले का कलर चेक करें, काफी ना मजे के लग रहे हैं। कलर देखे माशाल्लाह से काफी प्यारा आया है। तो कुछ इस तरह मिसाला जो है वो तैयार हो चुका है। तो अभी ना नीचे से चूल्हा जो है वो कर देते हैं जी बंद, अपने बर्तन के ऊपर चढ़ा देते हैं ढक्कन। तो ये जी मिसाला बन के रेडी हो चुका है। अभी बारी आ गई जी भिंडी और गोश्त को तलने की। पहले हमने जो भिंडियों को मिसाला लगाया था वो इधर पड़ी है, और इस साइड ये जो हमने गोश्त को मिसाला लगाया था वो इधर पड़ा है। तो अभी ना इन्हीं भिंडी और गोश्त को अभी तलने की बारी है। तो अभी इनकी करते हैं जी हम तलाई। और इधर ना तलाई करने के लिए अम्मी जी ने बड़े वाला बर्तन जो है वो चूल्हे पे चढ़ा लिया, कढ़ाई चढ़ा दी है ये वाली, और ये वाला चमचा सा जो है ये भी उठा लिया है। तो अभी ना नीचे सबसे पहले आग जो है वो जला देते हैं। ये लें जी आग भी जला दी है। तो अभी ना इसमें डाल देते हैं जी घी। ये लें जी घी भी डाल दिया। तो सबसे पहले घी को कर लेते हैं जी गरम, और उसके बाद फिर ना हम भिंडी और गोश्त की तलाई जो है वो करें। ये घी जो है गरम हो चुका है। तो अभी ना हम अपने इधर मिसाले वाले गोश्त और मिसाले वाली भिंडी की तलाई जो है वो शुरू करते हैं। ये लें जी मिसाले वाला गोश्त जो है वो अम्मी जी ने डाल दिया है। मिसाले वाली भिंडी और मिसाले वाले गोश्त की तलाई जो है अलग अलग करनी है। सबसे पहले अम्मी जी मिसाले वाला गोश्त तलाई कर रही है, जब इसकी तलाई हो जाएगी और उसके बाद फिर हम ना अपनी मिसाले वाली भिंडियों की तलाई जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले अम्मी जी गोश्त की इसलिए तलाई कर रही है क्योंकि गोश्त जो ज्यादा टाइम लेता है, तो इसलिए सबसे पहले अम्मी जी गोश्त की तलाई कर रही है। तो दोनों चीजों की ना अलग अलग तलाई करनी है, भिंडियों की अलग तलाई करनी है और गोश्त की अलग तलाई करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कुछ इस तरह गोश्त की तलाई जो वो हो रही है। ये गोश्त को अम्मी जी ने अच्छी तरह पका लिया, गोश्त जो हमारा अच्छी तरह भून चुका है, अच्छी तरह गल चुका है। तो गोश्त को भी इधर से निकाल के ना इधर हमने जो मसाला तैयार किया था तो इसमें डाल देते हैं। तो ये गोश्त ना कुछ इस तरह अम्मी जी ऊपर मसाले के ऊपर डाल रही है। अम्मी जी ने गोश्त को भून के इधर मसाले के ऊपर कुछ इस तरह डाल दिया है। तो अभी मैं ऊपर ढक्कन जो फिर चला देता हूँ इस बर्तन के ऊपर। और इस साइड अम्मी जी ने पहले जो भिड़ियों को मसाला लगाया था, तो भिड़ियों को भी ना जिस तरह हमने गोश्त को भूने इसी तरह भिड़ियों को भी भून लेते हैं इसी घी में। और जब भून जाएंगे और उसके बाद ना भिंडी भी ना इधर ऊपर ही डाल देंगे। माशाल्लाह से रेसिपी जो काफी मजे की तैयार हो रही है, और मेरे मुंह में अभी से पानी आना शुरू हो गया, अभी तक रेसिपी कंप्लीट तैयार ही नहीं हुई। माशाल्लाह से रेसिपी जो काफी मजे की तैयार हो रही है और काफी ना प्यारी लग रही है दिखने में भी। अभी ना मम्मी जी भिंडी को कुछ इस तरह घी में फ्राई कर रही है। तो ये नहीं जी अम्मी जी ने भिंडियों को भी अच्छी तरह भून लिया। ये देखिए माशाल्लाह से भिंडियां जो ना कुछ इस तरह भुन चुकी हैं। ये देखिए कलर चेक करें भिंडियों का, माशाल्लाह से काफी ना प्यारा लग रहा है। अभी ना नीचे से चूल्हा जो है बंद कर देते हैं। अभी ये जो भुनी हुई भिंडियां जो है ना इसको भी ना इधर ना इस मसाले में डाल देते हैं। ये
अम्मी जी ने जो भिंडी अभी फ्राई की है उनको भी अम्मी जी ने इधर डाल दिया है इधर ना मसाले में। तो ये जो भिंडी और अम्मी जी ने जो गोश्त फ्राई किया था वो अभी ना अच्छी तरह अम्मी जी इस मसाले में कर रही हैं जी मिक्स। ये लेकिन अम्मी जी ने भिंडी जो है वो भी अच्छी तरह से मिक्स कर दी है मसाले में और गोश्त भी ना अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो चुका है। माशाल्लाह से भिंडी और गोश्त का सालन जो वो कुछ इस तरह तैयार हुआ है। और इस साइड अम्मी जी अचार जो वो लेके आई है तो ऊपर अचार जो है वो अभी अम्मी जी रख रही है। तो अचार जो है ना भिंडी के सालन के साथ ना काफ़ी मज़े का लगता है तो ये इसलिए अम्मी जी अचार जो ऊपर डाल रही हैं। ये लें जी माशाल्लाह से गोश्त और भिंडियों का सालन जो है वो कुछ इस तरह तैयार हुआ आप देख रहे हो काफ़ी मज़े का लग रहा है। तो माशाल्लाह से सालन जो है अब वो हमारा खाने के लिए रेडी हो चुका है। भिंडी और गोश्त का सालन तैयार किया है माशाल्लाह से काफ़ी मज़े का लग रहा है। तो अभी सालन जो है ये प्लेट में डाल लेते हैं और अबू जी को जाकर दे आते हैं। तो अभी ना अबू जी को मैंने सालन भी दे दिया है रोटी भी दे दी है तो अभी अबू जी बैठे हैं तो खा के बताएंगे किस तरह का बना है। हाँ जी ये एक दफ़ा फिर देखें प्लेट में माशाल्लाह से ये अम्मी जी ने जो भिंडी और गोश्त का सालन तैयार किया कुछ इस तरह तैयार हुआ ये देखें। तो ऊपर अम्मी जी ने अचार भी रखा है तो अचार के साथ ना ये सालन जो है काफ़ी मज़े का लगता है। तो अभी अम्मी जी खाएंगे और बताएंगे कि ये सालन जो अम्मी जी ने तैयार किया किस तरह का तैयार किया। इस साइड रायता जो है वो भी अम्मी जी ने तैयार किया है और इस साइड ये जी खीरे लेके आए साथ और इस साइड हैं जी रोटियाँ। तो खाएँ और बताएँ कि ये जो सालन है किस तरह का तैयार है। हाँ जी मजे की बनी है। हाँ जी और मैं इसके साथ आज की वीडियो का आप ये एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। इसके साथ मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए दुआ में याद रखिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़।